गुड इवनिंग टू ऑल, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने एसएसपी सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर ने हमें इतने बिजी शेड्यूल में भी हमें टाइम दिया, हमें मौका दिया, और हम पिछला वीक पूरा जो भी सेशंस थे वो बहुत अच्छे से कर पाए, और इस वीक भी कंटिन्यू करने की इच्छा रखते हैं। अगर आप सारे पार्टिसिपेंट्स अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं तो हम ये वीक कंटिन्यू करेंगे। आज का जो पेंटिंग वर्कशॉप है उसके लिए हम क्या हमने तुम्हारी आरती सिंह मैडम को, वो पटना यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है और पटना हाई स्कूल में टीचर भी हैं, उन्होंने एमकॉम किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में भी डिप्लोमा है उनके पास, और फाइन आर्ट से वो लगभग 15 साल से जुड़ी हुई है और बीएफए भी कर चुकी है। तो मैडम मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आपको वेलकम करती हूँ, आप प्लीज क्लास स्टार्ट कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू गीतू मैम, थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पेंटिंग वर्कशॉप में। आज मैं आप लोगों को 3 अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोक विधाओं को पेंटिंग के बारे में बताऊंगी और कुछ सिखाऊंगी भी। ये पेंटिंग जो पहला है वो वर्ली आर्ट है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। वर्ली आर्ट महाराष्ट्र का अपना एक वहीं की एक अपनी लोक कला है, जो थाने डिस्ट्रिक्ट में वर्ली ट्राइब्स के द्वारा बनाई जाती है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक वर्ली पेंटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे इस पेंटिंग की खासियत यही है, ये ट्राइंगल्स और सर्कल्स और लाइन, ये 3 आइटम जो है, ये 3 ही इसमें बेसिक कंपोनेंट है जो इस पेंटिंग को बनाने में यूज किए जाते हैं। ये पेंटिंग काफी आसान है और बहुत अट्रैक्टिव भी। आप इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, ग्रास, बॉर्डर्स और ह्यूमन बॉडी और थोड़े बर्ड्स वगैरह भी देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम सबसे पहले इसी को शुरू करते हैं। इस पेंटिंग के लिए जो मैंने सबसे पहले कहा कि कुछ खास शेप को यूज किया जाता है जो बहुत सिंपल है, लाइंस। सबसे पहले लाइंस पे आते हैं। तो ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले 2 लाइन लेंगे, फिर इन दोनों की दोनों छोर को जो अलग अलग है उनको मिला देंगे, तो एक इस तरह का शेप बनेगा। फिर इसमें जो जरूरत पड़ती है एक सर्कल बनाने की, हेड बनाने के लिए हम सर्कल को यूज करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बोला ये 2 ट्राइंगल से मिलके ही बॉडी पार्ट बनता है। तो या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर अलग अलग 2 ट्राइंगल को एक साथ मर्ज करके भी बना सकते हैं। अभी मैं एक ह्यूमन पार्ट, ह्यूमन बॉडी बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे सर्कल बनाया, यहाँ पे एक लाइन दिया, इसको मैंने कलर किया है। इस पेंटिंग को आप पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लीजिए और बाद में आप ब्रश या पेन की सहायता से भी बना सकते हैं। ये हैंड बन गया और ये लेग बन गया। ये एक मेल का बॉडी है, और फीमेल बॉडी बनाने के लिए सेम चीज करेंगे, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, जो मेजर चेंजेस है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक मेल की बॉडी ही बनानी है। मैंने इसके हाथों को नीचे किया है, आप देखिए ये दोनों अभी आपको सेम लग रहे होंगे। डिफरेंस क्या करने हैं, यहाँ पे बस बालों का जूड़ा बना देना है। तो ये हो गई फीमेल। अब आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। इसी तरीके से अगर हमें बच्चों को बनाना है तो सेम प्रोसीजर करेंगे, पहले एक सर्किल बनाएंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे डालेंगे एक ट्राइंगल, फिर उसके नीचे एक और उल्टा ट्राइंगल, फिर उसके लेग्स बनाएंगे, फिर हैंड बनाएंगे और 2 छोटी प्यारी प्यारी चुटिया बना देंगे। अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये किसी छोटी सी बच्ची की की तस्वीर है। अभी जैसे सेम थिंग, अगर हम ये छोटी नहीं बनाते तो ये बॉय की का बॉडी रहता। अभी ओल्ड मैन अगर बनाना हो तो कैसे बनाएं? ये हमने एक सर्कल लिया, वो कलर किया। ओल्ड मैन जनरली दर्शाने के लिए उनको हम थोड़ा झुका हुआ बनाते हैं, फिर उनके गले की लाइन बनाई, फिर उनका बॉडी बनाया,
फिर उनके लेग्स बनाएं, फिर हाथों को बनाएंगे, फिर एक स्टिक पकड़ाएंगे। तो देखिए ये कितना आसान है, ये बनाना बहुत ही आसान होता है। और आप डिफरेंट डिफरेंट सिर्फ लाइन से आपको पोस्चर बनाना है। आप अगर बैठे हुए बनाना चाहते हैं किसी को, किसी ह्यूमन बॉडी को, तो बैठ के बना सकते हैं। आपको लाइन के थ्रू ही काम करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं। आप सिर्फ एक सिंपल लाइन से ही पूरी ड्राइंग बना सकते हैं। अभी जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये बनाना जैसे ढोल बजाता हुआ आदमी कैसा दिखेगा, तो ये ढोल बजाता हुआ आदमी है, ये अपर बॉडी पार्ट है, ये लोअर बॉडी पार्ट है, सेम लाइन एंड सर्कल। यहाँ पे सर्कल बनाया हमने हेड के लिए। अब ये हैंड्स बना दिए, और ये लेग बना दिया। तो ये ढोल बजाता हुआ एक डांस करता हुआ आदमी दिख रहा है। और फिर हम इसके इस पार्ट को कलर कर देंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे ब्लैक कलर से बता रही हूँ, व्हाइट पेपर है इसलिए। लेकिन बेसिकली ये जो वर्ली आर्ट है वो ब्राउनिश और रेडिश कलर का, जैसे रेड क्ले होता है ना महाराष्ट्र में जो मिलती है, उसी क्ले को पहले पूरा ये कर देते हैं, बेस में कलर कर देते हैं, और उसके बाद व्हाइट कलर से, चाहे वो चूने का पानी हो या फिर राइस फ्लोर का जो से जो घोल के जो कलर बनाते हैं उससे करते थे पहले के ज़माने में। लेकिन अब जो है ये पेन से होने लगा है, पेपर पे होने लगा, कैनवास पे होने लगा। बेसिकली इसको लोग अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए बनाते थे। अब चल रही है, हम कुछ बॉर्डर्स देख लेते हैं। वर्ली पेंटिंग में मैंने जैसा कहा कि लाइंस और सर्कल्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसके बॉर्डर्स में भी वही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी सिंपल होते हैं, और लाइन को ही, मतलब आप लाइन को डिफरेंट डिफरेंट यूजेस करके बॉर्डर्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये सारे लाइंस के ही बने हुए हैं। अभी मैं एक आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, मैं ट्रायंगल बना रही हूँ। अब इस पैटर्न को फिल करेंगे जैसे आपकी इच्छा, जो आप करना चाहते हैं आप फ्री हैं। बस ध्यान रखना है लाइन से बनाना है इसको। देखिए सिर्फ लाइंस और लाइंस का ही काम है। देखिए इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स बना सकते हैं। अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स भी ट्रायंगल का ही बनेगा, कोई एनिमल भी ट्रायंगल से ही बनेंगे। जैसे ये देखिए, ये छोटा सा चिकन है, ये बड़ा सा चिकन है। आप पीकॉक भी ऐसे बना सकते हैं जैसे मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको। अगर पीकॉक बनाना है तो ये ट्राइंगल लेंगे, सर्कल लेंगे, आइज बनाएंगे, इसके बाद इसके फीडर्स बनाएंगे। इसको पूरा फिल करेंगे कलर से। और यहाँ पे छोटे छोटे डैशेस या लाइंस के साथ इसके फीडर को बनाएंगे। इस तरीके से हम इसमें जो फोक आर्ट होते हैं ना, उसमें जेनरली जो आप देखेंगे
तो जो हमारी रूटीन लाइफ होती है, खासकर जो गांव की रूटीन लाइफ होती है, उनको दिखाया जाता है, और शादी ब्याह का दिखाया जाता है, रिचुअल्स दिखाए जाते हैं, कम्युनिटी के जो भी कुछ अलग नियम का नियम है, कुछ अलग फेस्टिवल है, उनको दिखाया जाता है। तो हम वो काफी नेचर, मदर नेचर के काफी नजदीक होती है, इसलिए ज्यादातर हम लोग बर्ड्स, ट्रीज और कोई रिचुअल्स, कोई कहानी, देवी देवता के चित्र ऐसे बनाते हैं। अभी देखिए, मैं इसके कुछ आपको ट्रीज और प्लांट्स बना के दिखाती हूँ। ये सर्कल बनाया, पहले लाइंस ली मैंने, ये सर्कल बनाया, सर्कल को कर दिया, फिर लाइन बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें बेसिकली लाइन का ही और ट्रायंगल सर्कल कुछ ज्यादा होता है। तो हम जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो सबको यही, इसी को ध्यान में रखते ही बनाया जाता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसमें लाइन सर्कल्स यूज किए जाते हैं। पाम ट्री, जैसे आप ये देख रहे हैं, इस फीडर को देख रहे हैं, तो पाम ट्री भी ऐसे, मतलब ऐसे पाम ट्री भी बना सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये बन गया पाम ट्री। अगेन इसमें डैशेस डालेंगे, लेकिन इसमें दोनों साइड से डैशेस डालते हैं। तो ये मैंने आपको वर्ली पेंटिंग के कुछ बेसिक्स बताए, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, करना बहुत आसान है। आप इसको स्टार्टिंग फेज में इस तरह के मार्कर पेन या कोई भी जेल पेन को लेके बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा तकलीफ है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ड्रॉ करने में, तो पहले, सबसे पहले आप पेंसिल और इरेजर की यूज से बना लीजिए। इसके बाद आउटलाइन करिए, इसके बाद कलर को फिल कीजिए। आप इस तरह का नीब भी यूज कर सकते हैं, ये एक पेंटिंग टूल है, कैलीग्राफी में भी यूज होती है ये, और ये फोक आर्ट बनाने में भी यूज होती है, आप देखिए ये। तो इसकी सहायता से भी आप बना सकते हैं, ये काफी आसान है, कोविड काल में बनाइए, सिंपल है, आपको भी अच्छा लगेगा अपने घरों को सजा के अपने खुद के बनाए पेंटिंग से। तो अब मैं दूसरी पेंटिंग स्टार्ट करना चाह रही हूँ, दूसरी पेंटिंग के बारे में बताना चाह रही हूँ। दूसरी शैली जो है वो है गोंड गोंड शैली। ये जो शैली है ये मध्य प्रदेश की एक शैली है, और मध्य प्रदेश में जो गोंड ट्राइबल्स हैं, गोंड आदिवासी हैं, उन्होंने उन्होंने वो अपने घर में इसको बनाते हैं। देखिए, ये मैंने फर्स्ट सेशन में बनाया था और लोगों को बताया था कि ये कैसे बनती है, और ये एक मेरे पास सैंपल है जिसको मैं अभी आपको भी करके दिखाऊंगी। इसमें ट्री है, दो बर्ड्स हैं, और फ्रीज के पत्ते हैं। तो ये जो है गोंड आर्ट, ये भी एक तरह, ये भी नेचुरल कलर से ही बनाए जाते हैं, ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है इस कला को लोगों ने, और खानदान दर खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ती चली गई, और आज तो ये वर्ल्ड फेमस हो चुकी है, चाहे वो वर्ली पेंटिंग हो या गोंड पेंटिंग हो या इंडिया की कोई भी फोक आर्ट हो, वर्ल्ड फेमस है, और काफ़ी महंगी भी मिलती है, लेकिन उनको बनाना बहुत आसान है, बस उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जैसे आपने देखा कि वर्ली पेंटिंग में ट्राइबल, सर्कल और डैशेस, ये सब का, लाइंस का ज़्यादा यूज होता है, इसमें भी वही है, इसमें भी डैशेस का यूज़ किया जाता है, लाइंस का यूज़ किया जाता है, और सेमी सर्कल का यूज़ किया जाता है, और सर्कल का यूज़ किया जाता है। तो मैं कुछ सैम्पल आपको दिखाती हूँ। और एक चीज़ इसमें और है कि जब आपने ड्राइंग बना ली, तो इसको कलर फिलिंग करने का तरीका ये है कि आप इसमें कम से कम दो शेड लेंगे, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम दो शेड लेंगे, एक शेड लाइट का रहेगा, दूसरा डार्क का रहेगा। लाइट शेड पे आपको जो भी पैटर्न बनाना है, ऊपर से टेक्सचर बनाना है, वो आप डार्क कलर से करेंगे, और जो डार्क कलर है, जो जिसकी बेस डार्क कलर से है, उस पर आप लाइट कलर से पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने डैशेस बनाए हैं, और इस पेंटिंग की खासियत एक होती है, एक और चीज़ होती है कि इनकी आंखें देखिए,
आप देख पाएंगे कि गोल होती है, एकदम राउंड होती है सर्कल, और इसमें एक सेमी सर्कल बना है जिससे आई बॉल बनता है। तो इस तरह की पेंटिंग की एक खास बातें हैं कि इस तरह की आंखें रहेंगी, थोड़ा बेबी लाइंस रहेगा इसमें, थोड़ा मोटा मोटा बेबी लाइन, क्योंकि ट्राइबल्स होते हैं वो परफेक्शन पे नहीं जाते, वो बस अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं, इसलिए इसमें कुछ भी परफेक्शन नहीं है, आप जैसा भी बनाए चलेगा, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। ये देखिए ट्रीज के ये ब्रांचेस हैं और ये लीव्स हैं, और लीव्स में भी देखिए कलर फिलिंग करने के बाद ऊपर से जो लाइंस के थ्रू इसको डिटेलिंग दी गई है, आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं अब इसी पे बताती हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये मैंने पहले से टाइम की वजह से फिल करके रखा है। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप म्यूट को हटा के आप पूछ सकते हैं। मैं यह एक्रेलिक कलर और ब्रश यूज कर रही हूँ, पेंट ब्रश। ये जैसा कि डार्क कलर है ये वाला रेड, तो इसमें मैं व्हाइट कलर से पैटर्न बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने डैशेस बनाए हैं, यहाँ पे मैं सेमी सर्कल बनाऊंगी। गोन पेंटिंग को मध्य प्रदेश के जो ट्राइब्स है वो अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए वो भी बनाते थे, और शादी विवाह जैसे रिचुअल पे बनाते थे। इवन मैं तो कहूँगी कि ज़्यादातर जो भारत के फोक आर्ट है वो इसीलिए बना ही जाते थे कि वो मतलब अर्निंग के लिए नहीं था, ये बस अपने घरों को सुंदर दिखाने के लिए, अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए था। धीरे धीरे इनका कमर्शलाइजेशन हुआ और अब ये हर जगह मिलती हैं, कम से कम इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा फेमस है। बाहर के कलाकारों ने ही इनको ज़्यादा ये किया, फेमस करवाया। तो ये देखिए, ये जैसे ब्रश करने में अगर तकलीफ होती है तो हम इसमें वाइट पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट जेल पेन मिलता है, आप वाइट जेल पेन लेके भी इसको कर सकते हैं अगर ब्रश करने में तकलीफ है तो यूज़ करने में। ये देखिए, ये सब बहुत आसान होते हैं और बनाने में भी कम टाइम लगता है और अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। और बिल्कुल इसमें कोई भी परफेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती कि आपका परफेक्ट होना चाहिए, आप जैसा करेंगे बस इसके जो बेसिक बातों को है उनको ही ध्यान रखना होता है। कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा ध्यान रखिए, लाइट और डार्क या फिर मैचिंग कलर दे रहे हैं तो उसमें भी लाइट एंड डार्क होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट में तो कोई तकलीफ ही नहीं, कॉन्ट्रास्ट तो हमेशा अलग अलग ही दिखता है, तो इसका ध्यान रखना है। और अपनी क्रिएटिविटी आपको जैसे समझ में आ रहा है आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अभी मैं ये जो क्रीम कलर की है, ये जो ये देखिए जब इसमें कलर कभी कम कभी ज्यादा आता है ना तो वो भी एक पैटर्न बनता है, वो भी आपको शेडेड दिखेगा,
जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कहीं डार्क है कहीं लाइट है, तो ये भी एक खूबसूरती देता है पेंटिंग को। इसके बाद जब आपकी ड्राइंग बन जाती है तो इसके बाद आप ब्रश से या इस तरह के पेन से इसकी आउटलाइन कर दीजिए। ये आउटलाइन इससे शेप को डिफाइन कर देगा। ये देखिए ये पूरी बर्ड बन गई है, एक बर्ड। इसका ये हिस्सा छूट गया है, ये मैं कर दूंगी। अभी मैं आपको ट्री बताती हूँ, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं अभी ट्री को कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। ट्री में भी आप सेमी सर्कल ले सकते हैं, जस्ट लाइक इसको सेक्शन में बांट बांट के किया जाता है इस पेंटिंग को भी। तो अभी मैं पहले इसके स्टेम को और ब्रांचेस को सेक्शन में बांट लेती हूँ। इसके बाद आप या तो इस सेक्शन में या ये सेक्शन में, दोनों में आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर पैटर्न डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बर्ड में अलग अलग पैटर्न डाला, आप इसमें भी डाल सकते हैं या सिंपल डैश से भी दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी कलर सेम है, ये दोनों से कलर सेम है, इसलिए मैं पैटर्न डिफरेंट कर रही हूँ। इसमें कुछ और डालूंगी, इसमें कुछ और डालूंगी, ये भी मैं करके आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। इससे मैं स्पाइरल पैटर्न बना रही हूँ। ये देख इस तरह का पैटर्न बनाऊंगी और इसमें मैं सिंपल डैश बनाऊंगी। अभी मैं पेन से कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी होगा। टाइम की वजह से मैंने अभी इसको पेन से बस आपको दिखाने के लिए किया है। फिर ये जो नेक्स्ट सेक्शन है इसको भी हम लोग स्पाइरल से करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से इसके पूरे जो भी पार्ट है इसका, ब्रांचेस और ये, वो सब इसी तरीके से बनाएंगे। लीफ में क्या करना है, पहले कलर करना है आपको। ये दो कलर से भी आप कर सकते हैं, या मैंने सिंगल कलर ग्रीन लिया है। आप चाहें तो इसके हाफ सेक्शन को येलो से या हाफ सेक्शन को ग्रीन से या कोई दूसरा कलर भी, वाइब्रेंट कलर आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे ये मैंने लाइन्स बनाए हैं ना इस लीफ के लिए, वैसे ही इसमें सारे इस पेंटिंग के पूरे ट्री में जितने लीफ है मैं वैसे ही बनाऊंगी। लेकिन आप चाहें तो इसके लीफ का कलर भी डिफरेंट, दो कलर से या तीन कलर से, डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसा बनाना चाहें, बस कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा ध्यान रखिए ताकि ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सिंपल लाइंस से ही लीफ को बना रही हूँ मैं। लीफ में जनरली लाइंस ही चलती है, लेकिन ट्री के स्टेम में ये देखिए आप डिफरेंट पैटर्न्स डाल सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डैशेस है। गोंड आर्ट में डैशेज सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं और यही इनकी स्पेशलिटी है। आप इसी से पता कर पाएंगे कि ये जो पेंटिंग है वो गोंड पेंटिंग है। ये तो मैम
ये देखिए ये पेंटिंग कैसी दिख रही है, काफी आसान है। यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है, आप भी इस तरह की पेंटिंग स्केच ड्रॉ कर लीजिए पहले, फिर कलर करने के बाद इसको बनाइए लाइन से। काफी इजी है और बहुत खूबसूरत दिखेगी, ये बहुत सुंदर दिखती है। चूंकि फोक आर्ट ऑफ इंडिया है तो अपने आप में ही अनूठा होता है ये। अब ये गोंड आर्ट की बात हुई, अब मैं तो थर्ड आर्ट फॉर्म है मधुबनी पेंटिंग, उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। अभी मैं बताती हूँ, ये देखिए ये मैंने इसी वर्कशॉप के लिए बनाया था। ये एक मधुबनी पेंटिंग का सैंपल है, इसमें पिकॉक है, आप देख पा रहे होंगे, ये पिकॉक का पूरा फेदर है, ये नाच रहा है और नीचे दो फिश है। इसमें काफी महीन कारीगरी की हुई रहती है, काफी महीन कारीगरी होती है। इसे मैंने पेन से नहीं बनाया है, इसे मैंने इससे बनाया। और टिपिकली ये मधुबनी पेंटिंग इसी से बनाई जाती है, इंक से। और जो ट्रेडिशनली बनाई जाती थी वो बैम्बू ट्री के ब्रांच से, पतली ब्रांच से बनाई जाती थी, लेकिन अभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें बन गई हैं। आप पेन से भी, बिगनर हैं तो पेन से भी बना सकते हैं, इस तरह के मार्कर पेन से या जेल पेन से। तो चलिए अभी हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और माता सीता और राम जी के शादी के समय इसको बहुत बहुत मतलब पूरे राज्य में ही बनाया गया था। और ये काफ़ी खूबसूरत होता है, दीवार में भी बनाया जाता है। दीवार पे मैंने कहा था डेकोरेशन के लिए, फोक आर्ट जनरली डेकोरेशन के लिए बनाए जाते थे। तो राजा जनक ने बोला था अपनी बेटी के विवाह पे जनता को कि आप अपने घरों को सजाइए, तो पूरे मिथिला वासियों ने पूरे मिथिला को मधुबनी पेंटिंग से सजाया था। तो अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक मेल बॉडी है जो मधुबनी में बनाया जाता है, मधुबनी पेंटिंग में। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इनके हेयर्स को, ध्यान दीजिएगा आईज को देखिएगा। और ये भी एक लाइन, और इसमें भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न ही यूज होते हैं, लाइंस इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बाकी ट्राइंगल है, सर्कुलर है, फ्लावर्स वगैरह इसमें ये सिंबॉलिक होते हैं, जैसे देखिए लोटस फ्लावर ऐसे बनाया जाता है। तो बेसिक पहले ड्राइंग बनाया जाता है, इसमें पहले एक मेल बॉडी है, ये देखिए ये फीमेल है, इसमें भी मेल एंड फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं देखेंगे। चेहरे का कंस्ट्रक्शन, जो फेस कंस्ट्रक्शन है सेम है, बस फीमेल में आप क्या देखेंगे कि इनके बालों में एक जूड़ा बनाया हुआ है, जूड़े में एक फूल है और इनके ऑर्नामेंट्स। हालांकि मेल मेल बॉडी पार्ट में भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। काफी सिंपल है, इसमें डबल लाइन का यूज किया जाता है, आप देख रहे होंगे इसमें डबल लाइन है हर जगह, इसमें डबल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं ऑर्नामेंट बना रही हूँ इयर रिंग, तो इसमें भी डबल लाइन है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन लेना है और इसके बाद सेमी सर्कल बना देना है। देखिए, तो मेल भी पहले ज्वेलरी पहनते थे, तो मेल के लिए भी ज्वेलरी है इसमें। ये देखिए पूरी ज्वेलरी पहनी उन्होंने, यहाँ पे पहना है, यहाँ हाथों में पहना है, पैरों में भी पहना है। और लेकिन फीमेल की बिंदी होगी जो मेल नहीं लगाते हैं, मेल लंबा तिलक लगाते हैं, इस तरह का तिलक आपको मिल जाएगा। फीमेल्स बिंदी लगाती हैं, वो जो इयर रिंग है लंबे लंबे इयर रिंग पहनती हैं, तो आपको वो डिफरेंस दिखेगा। गले का हार वगैरह रहता है, तो ये एक फीमेल बॉडी पार्ट है। अब मैं थोड़ा आपको इसमें फ्लावरिंग के बारे में, मतलब फ्लावर एंड फौना, ये लीव्स के बारे में बताऊंगी। देखिए ये मैंने एक फ्लावर बनाया था फर्स्ट सेशन में, अभी मैं बना के बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। बहुत सिंपल है ये भी, पहले एक छोटा सा सर्कल बनाना है, इसके बाद बाहर भी एक सर्कल बनाना है, इसके बाद एक और सर्कल बनाना है, ये देखा आपने। इसके बाद हमें एक लाइन हर तरफ एक एक लाइन खींचनी है, इसके बाद उस लाइन को डबलिंग करनी है,
इसके बाद आप कितना देख रहे हैं, बस यही फ्लावर है आपको, और यहाँ पे सेमी सर्कल बना देना। ये एक तरह का फ्लावर हुआ। अगर आपको इसमें थोड़ा और एनहांसमेंट करना है तो इसमें ऐसे पेटल्स, हाफ पेटल्स बना दीजिए, सॉरी हाफ लीफ बना दीजिए, तो इसके पेटल्स चेंज हो जाएंगे, इनका मोटिफ चेंज हो जाएगा। ये देखिए सेम थिंग है बट थोड़ा सा चेंजेस करने पे ये फ्लावर का पैटर्न ही चेंज हो गया। इसके अलावा आपको एक ट्राइंगल बनाना है, बस ये देखिए किस तरह के फ्लावर भी आप बना सकते हैं। सेम स्क्वायर करके आप ये भी बना सकते हैं, स्क्वायर मैंने इसलिए कहा, ये देखिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डबल्स लाइन होती है, डबल लाइन के बिना मधुबनी पेंटिंग नहीं रह जाती, मंडाला बन जाता है। अभी मैं इसको डबल लाइन करूंगी। तो इसमें फ्लावर, ट्री और गॉडेस और गॉड के बहुत सारे पिक्चर, जिसमें सीता उनके शादी का तस्वीर, उनके शादी की तस्वीर बनाई जाती है, कृष्ण भगवान बनाए जाते हैं, और मिथिलांचल में जो रिचुअल्स होते हैं उनसे रिलेटेड फेस्टिवल्स को बनाया जाता है। इसमें हाथी, घोड़े, ऊँट, चिड़ियाँ, जानवर, ये सब के चित्र बनाए जाते हैं मिथिला पेंटिंग में। अगेन ये नेचुरल कलर से बनाया जाता है ट्रेडिशनली, लेकिन अब इसको कैनवस पे लोग इंडस्ट्रियल कलर से भी बना रहे हैं। ये देखिए ये सिंपल है, सिर्फ लाइन से बनी हुई है। इस फ्लावर में भी हम वही काम करेंगे, इसमें भी हम इसको डबल लाइन करेंगे। एक चीज मैं और बताती हूँ, मिथिला पेंटिंग में दो तरह की स्टाइल है, कचनी स्टाइल और भरनी स्टाइल। तो ये जो तरीका मैंने बताया सिर्फ लाइंस के थ्रू, ये कचनी स्टाइल है। अभी मैं आपको भरनी स्टाइल में बना के दिखाती हूँ। भरनी स्टाइल मीन्स कि कलर भरना, कलर भरने को भरनी, उसी से आया है ये वर्ड भरनी। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लाइन्स ड्रॉ करते हैं, जैसे अभी मैंने फ्लावर ड्रॉ किया, फिर इसको मैं फील कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड भरनी, ये भरनी है। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से फ्लावर बना सकते हैं, एक फ्लावर में दो दो कलर डाल सकते हैं। वो इसके कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं, जैसे वर्ली में आपने दो कलर का देखा ना कि इसमें जनरली वाइट और रस्ट कलर का यूज होता है, लेकिन इसमें जो है ना बहुत वाइब्रेंट होता है ये और गोंड पेंटिंग दोनों में काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स यूज होते हैं। देखिए कहीं भी किसी भी आप इस तरह का पेंटिंग देखें और उसमें डबल लाइंस हो और कचनी भरनी का यूज होता, समझ जाइए कि वो मधुबनी पेंटिंग है। ये देखिए इसमें मैंने कलर भरा है, लेकिन इसमें हम कचनी का भी यूज करते हैं। जैसे ये फ्लावर बन गया ना, इसमें हम कचनी का भी यूज करेंगे। तो इसमें जो हमने डबल लाइन बनाई है, ये जो डबल लाइन बनाई है इसमें, इसको हम फिल करेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स में फिल कर देंगे लाइन से ही। वो खाट हमारी बहुत अच्छी और बहुत समृद्ध विरासत है, और मुझे लगता है कि हम सभी भारतीयों को इसको
प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अगर हम नहीं जानेंगे तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बता पाएंगे, और चाहे वो भारत के किसी कोने से हो, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, या इधर नॉर्थ से ईस्ट से लेके वेस्ट तक, बहुत सारे फोक आर्ट हैं। हम जिस स्टेट के भी रहने वाले हों, हमें अपने नेटिव फोक के बारे, फोक आर्ट के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आप रुचि हो या ना हो, लेकिन अपना जो हेरिटेज है उसको तो बचाना ही चाहिए। अगर हम ना बचा पाए तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, दूसरे पे ये भार नहीं देना चाहिए, हमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए। तो मैं ये वर्कशॉप इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बताना था, आप लोगों को शेयर करनी थी ये बात। और मैं गीतू मैडम की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और आप सबके बीच आई। और अगर मेरे इस छोटे से काम से भी आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, तो मानसिक तनाव से थोड़ा छुटकारा मिलता है, जो कि डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि ये बहुत रिलैक्सिंग होता है आर्ट, तो आप जब एक बार करना शुरू करेंगे तो करते ही चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है, आर्ट थेरेपी के नाम से आजकल लोग इसको कर रहे हैं। ये देखिए, ये लीफ है, सिंपल लीफ जो कचनी स्टाइल में है, ये हाफ कचनी और हाफ भरनी है। और एक ये तरीका होता है, आउटलाइन किया और चारों तरफ से कलर कर दिया, और एक सिंपल भरनी हो गई है। तो इस तरह से मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं भी और कुछ कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने घरों पे बनाइए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, कम से कम पेंसिल पेन से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। ये शायद आपको दिखे, ये फिश है जो मधुबनी स्टाइल में बनी हुई है। ये देखिए, इधर एक लोटस बना हुआ है, ये बॉर्डर है, ये प्लांट्स है, फ्लावर ब्रांचेस है इसके, ये देखिए, ये मधुबनी शैली का है। मैं अभी एक और पेंटिंग, मतलब ड्राइंग दिखा रही हूँ आपको, ये भी मधुबनी शैली की है। इसमें एक लेडी है, लेडी नहीं, आप इसको गोपी कहिए, जो पानी भरने के लिए जाती थी मटका लेके गोकुल में, ये एक गोपी है। बगल में कृष्ण है बांसुरी बजा रहे हैं वो, ये देखिए यहाँ पे, ये पूरी मधुबनी स्टाइल में। और इधर एक और गोपी है, इसने भी मटका लिया हुआ है। और ये एक उपवन है जिसमें प्लांट्स है। मधुबनी स्टाइल की एक खासियत और भी है कि इसमें कहीं भी कलर, कहीं भी बेस जो है ना, वो खाली नहीं छोड़ा जाता, पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो भरा हुआ होना चाहिए। जैसे आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, स्केच में पूरा बैकग्राउंड जो है, ये ह्यूमन फिगर के पीछे, वो पूरा फिल है प्लांट से और फ्लावर से, यही है। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। मुझे लगता है आपको इतने कम समय में मैंने जो बताया कुछ समझ में आया होगा, मैंने जो कोशिश की है आपको बताने की। और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कलर या किसी भी आर्ट फॉर्म के बारे में। और अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते हैं डिटेल्स में, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, फेसबुक पे भी पेज है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। तो मैडम, ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा और जी, हमने फोक आर्ट्स के बारे में काफी कुछ जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट डिवीजन को अच्छा लगा होगा। अब मैं सुनील सर से रिक्वेस्ट करूंगी, आप मैडम का धन्यवाद करें। सुनील सर हैं? हेलो हेलो, मैं हूँ मैडम, लहासी जी हूँ मैं। हेलो हेलो, लहास सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, खास करके यस खास करके आरती जी मैडम का शुक्रिया। क्या क्या बताऊं मैं आपको कि आपके पेंटिंग के द्वारा जो आपने जो भारतीय इतिहास को जो उजागर कर दिया ना आज जी, पेंटिंग भाई, पेंटिंग भाई प्रभु राम जी के काल से प्रचलित है, यह बात तो मैंने आज पहली बार जानी आपके। बिल्कुल बिल्कुल, वो मधुबनी का जो आपने इंडिकेशन दिया था वो सच में मुझे हैरान कर दिया। आप जानते हैं कि अभी जो कोविड की जो सिचुएशन है,
उसके कारण सभी और एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है अभी। जी सर जी और आपने आपके पेंटिंग के लेक्चर से जो ज्ञान ज्ञान बांटा है उससे आपने वो निगेटिविटी को आपने पॉजिटिविटी में तब्दील कर दिया है। बराबर, सर जी जी ये बहुत बड़ा मतलब एक परिणाम है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है हम बता सकते हैं आपके लेक्चर द्वारा हमें आज मिला। जी जी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेंटिंग जो हम जब से छोटे होते हैं बचपन में हम आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, जी एग्जैक्टली हमारे भी बच्चे होते हैं, घर की सभी दीवारें रंगी हुई होती हैं, हाँ हम उन्हें कुछ हाँ बोलने पाते, क्या पता भाई कोई एमए फुसेंदा बन जाए अगले इस, है कि नहीं। तो इस जी हिसाब से हम तो कोई रोकते नहीं है, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं उनमें भी एक कोई पेंटर छुपा है हर एक में, लेकिन वो आप, एग्जैक्टली हाँ लेकिन उनमें भी वो हुनर होता है, लेकिन जी रोज काज के जो कर्तव्य होते हैं इस पे वो समय नहीं दे पाते अपनी जो कलाएं होती है उनके लिए। और जी आज जी मुझे मतलब आई एम श्योर कि भाई आज का आपका सेशन देख के उनका जो जी हुनर है वो पुनः तरीके से जागृत हुआ होगा और जी वो समय देंगे और उनको जी थोड़ा सिर्फ ना कि पेंटिंग करें उसके बारे में जो लिटरेचर इंफॉर्मेशन थी आपकी वो भी जी काफी कारगर चीज होंगी उसके लिए। तो थैंक निश्चित रूप से आपका सेशन हमारे लिए पर्व नहीं रही आज के दिन। यू बराबर, तो सर ये नॉर्थ ईस्ट पोस्टल विभाग की ओर से और हमारे एसएसपी साहब की ओर से हम तहे जी दिल से आपका शुक्रिया गुजार करते हैं। थैंक यू थैंक मैडम, यू थैंक सो यू मच वेरी सर मच। आपका नंबर आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज, मतलब कोई होगा कुछ बच्चों के लिए कुछ क्लासेस वगैरह हो सकते हैं, कुछ नॉलेज शेयर करना हो सकता है, तो हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे, कांटेक्ट करेंगे मैडम। श्योर सर श्योर सर थैंक यू ऑलवेज वेरी वेलकम। मच मैडम। यस हेलो हेलो आरती मैम। मैडम, हेलो। हाँ जी 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 मैम मैम, या मैं एसपीएचपी साक्षी पुजारी बोल रही हूँ। एक्चुअली जी मैम जी मैंने मतलब बहुत लेट ज्वाइन किया बिकॉज आई वाज इन अ विजिट। आई थिंक हार्डली 15 मिनट्स ज्वाइन किया, बट वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व लाइक योर सेशन वॉज वेरी कलरफुल रियली। थैंक यू और सो अभी मुझे लग मच। रहा है मैंने कितना मिस कर दिया। तो आपका कोई अगर यूट्यूब का कुछ आप अभी बता रहे थे ना, आप अगर लिंक जी शेयर करेंगे बिकॉज माई किड्स बोथ द किड्स दे आर वेरी गुड इन ड्रॉइंग और उन्हें एक्चुअली दे आर ओके ओके वेटिंग यू नो टू अटेंड योर सेशन। ओके लास्ट वीक में घर पे थी पर अनफॉर्चुनेटली लाइक यू नो वो नहीं हो पाया। तो अभी जैसे ही घर पे जाऊंगी वो दोनों पकड़ेंगे मुझे लाइक मम्मा मुझे भेजो क्या क्या सिखाया। तो आई होप सुनील को भी मैंने बताया था रिकॉर्डिंग करना। आई डोंट नो वेदर ही हैज रिकॉर्डेड योर सेशन, पर अगर यस आपने मैडम, यूट्यूब आई रिकॉर्डेड किया मैडम। आपने यू हैव रिकॉर्डेड यस मैडम, यस मैडम। ठीक। और फिर भी आपका अगर कोई यूट्यूब में अभी आप बता रहे थे ना हाँ मैं बता वो आप मैं वो लिंक श्योर अगर आप शेयर करोगे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। जी जी थैंक यू जरूर मैम, रियली यू स्पेंड सच अ वैल्यूएबल टाइम फॉर अस। माय थैंक यू प्लेजर। सो थैंक यू मच। सो मच। नथिंग। या मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, वो मेरा पर्सनल मैटर है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती हूँ कि वो ये बात है कि मैं पिछले 15 दिन पहले मैं खुद कोविड से इन्फेक्टेड थी और मुझे काफी टाइम लगा ठीक होने में। तो मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया उसके लिए, ठीक होने के लिए, अपने मेंटल स्टेटस को ठीक करने के लिए, क्योंकि लंबे टाइम तक बेड पे पड़े रहना और दिमाग में इतना निगेटिविटी आता है इस टाइम पे। काफी लोग चले गए हमारे बीच से, मैं लिटरली कई बार रोई भी हूँ। लेकिन पेंटिंग एक मेडिसिन की तरह काम करता है और मैजिकल मेडिसिन की तरह काम करता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जिनका इंटरेस्ट है वो तो करेंगे ही आई नो, लेकिन जिनका नहीं भी है वो एक बार ट्राई कीजिए। ये आपके खुद के लिए है और कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है। आप सीखिए, बनाइए, अपने घर को डेकोरेट कीजिए। लाइक हमारा जो कल्चर है वो यही सिखाता है और हम सब एक साथ हैं इस मुश्किल समय में और सब एक साथ खड़े रहे, एक दूसरे की मदद करें, तरीका चाहे जो भी हो, यही अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी सभी हेल्दी रहें और अच्छे से रहें। बहुत खूब मैडम, बहुत खूब। थैंक यू जी थैंक शुक्रिया। यस यू यस सो मच। यस।